नमस्कार साथियों उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला सीरीज जिस सीरीज में आपको सिविल इंजीनियरिंग के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स को यहाँ पे बिल्कुल कम समय में पढ़ाया जाएगा और प्लस

किसी भी नेचुरल ड्रेन से हमको क्रॉस कराना होता है तो कुछ एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन करने होते हैं वो कहलाते हैं क्रॉस ड्रेनज वर्क अब कितने प्रकार के हो सकते हैं वो इनपे हम अभी भी चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के सबसे पहला जो है आप देख पा रहे हैं कि इरिगेशन कैनाल अगर किसी ड्रेनेज को पास करे यानी कि इरिगेशन कैनाल जो है इट इज एब

या फिर दोनों एक ही लेवल पर होते हैं यानी कि टाइप वन में आप देखेंगे इरिगेशन कैनाल ऊपर होगा नेचुरल ड्रेन के टाइप टू में नेचुरल ड्रेन जो है हमारी ऊपर होगी इरिगेशन कैनाल नीचे होगी और जो टाइप थ्री होती है टाइप थ्री में हम बात करें तो नेचुरल ड्रेन और इरीगेशन कैनाल विल बी एट द सेम लेवल ये सेम लेवल पर होंगे अब बात करते हैं सबसे पहले पहला टॉप जो है तरीका जिसमें इरिगेशन कैनाल जो है ओवर द नेचुरल ड्रेनेज रहेगा अब ये कंडीशन देखिए दो प्रकार की बन सकती है सबसे पहले मैंने एग्जांपल बताया था एक्वाडक्ट अब एक्वाडक्ट में क्या सिचुएशन होती है कि इरिगेशन कैनाल जो है नेचुरल ड्रेन के ऊपर तो रहेगा उसको हम एक्वाडक्ट कहेंगे लेकिन एक चीज का ध्यान ध्यान आपको रखना है, क्या ध्यान रखना है 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 क्या कि जो बेड लेवल ऑफ कैनाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यू कैन सी हियर द बेड लेवल ऑफ कैनाल है ये हमेशा एबव रहेगा फ्रॉम द हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेनेज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देख रहे हैं कि कैनाल को आप देख रहे हैं कि कैनाल जो है हमारी कहां है नाल इज एब ड्रेन केनाल हमारी क्या है नेचुरल ड्रेन के ऊपर है लेकिन जो नेचुरल ड्रेन का पानी है वो कैल के बेड को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा यानी कि आपको ये इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नेचुरल स्ट्रीम है जो है, जो नेचुरल ड्रेन है है रिवर वो एक तो कैल से नीचे रहेगी दूसरा उसका जो पानी है वो कैल के बेड से भी नीचे रहेगा इट विल नेवर टच इट तो ऐसी सिचुएशन को कहेंगे एक्वाडक्ट लेकिन अगर हम साइफन एक्वाडक्ट की बात करेंगे यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि केनाल केनाल ऊपर है स्ट्रीम नीचे है लेकिन स्ट्रीम का जो पानी है वो कैनाल के बेड के नीचे ही है कैनाल के बेड के नीचे ही है लेकिन साइफन एक्वाडक्ट में ऐसा नहीं होता है साइफन एक्वाडक्ट में कैनाल ऊपर रहेगी नेचुरल ड्रेन नीचे रहेगी लेकिन जो नेचुरल ड्रेन का पानी है यानी नेचुरल ड्रेन का जो हाई फ्लड लेवल है वो कनाल के बेड को टच करेगा या फिर उसके ऊपर रहेगा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कनाल ऊपर है नेचुरल ड्रेन नीचे है लेकिन जो नेचुरल ड्रेन का पानी है वो कैनाल के बेड के ऊपर के लेवल पर है इस सिचुएशन को हम एक कहते हैं है अभी भी ये टाइप वन जिसमें केनाल ऊपर है नेचुरल ड्रेन नीचे है लेकिन नेचुरल ड्रेन का जो हाई फ्लड लेवल है ये कैनाल के बेड लेवल से कहा है ऊपर जा रहा है तो इसको हम कह देंगे साइफन एक्वाडक्ट हमारा जो पुराना था एक्वाडक्ट एक्वाडक्ट में भी कैनाल हमारी कहाँ है ऊपर है नेचुरल ड्रेन नीचे है लेकिन नेचुरल ड्रेन का जो पानी है वो काफी नीचे है कैनाल के बेड को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा अब टाइप टू की हम बात करेंगे जिस टाइप टू में हमारा जो नेचुरल ड्रेन ऊपर हो जाती है कैनाल नीचे हो जाती है जिस टाइप टू में नेचुरल ड्रेन ऊपर हो जाती है और कैनाल नीचे हो जाती है अब अगर आप टाइप टू की बात करेंगे यहाँ पे तो टाइप टू में ड्रेनेज ओवर द इरिगेशन कैनाल यानी कि इस वक्त जो रिवर है या जो नेचुरल है ये इरीगेशन कैनाल के कहा हो गई है ऊपर हो गई है इसमें दो सिचुएशन होती है पहला सिचुएशन है सुपर पैसेज सुपर पैसेज में नेचुरल ड्रेन ऊपर है इरीगेशन कैनाल की लेकिन कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है वो नेचुरल ड्रेन के बेड को टच नहीं करेगा कनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है का जो फुल सप्लाई लेवल है, है, ये नेचुरल ड्रेन के बेड को टच नहीं कर रहा यानी कि कनाल के का जो सबसे ऊंचा पानी नेचुरल ड्रेन के बेड से नीचे है यानी एक्वाडक्ट का अपोजिट एक्वाडक्ट में क्या था कनाल ऊपर थी नेचुरल ड्रेन नीचे थी नेचुरल ड्रेन का पानी जो है केनाल के बेड को नहीं टच कर रहा था यहां पर उल्टा है केनाल नीचे है नेचुरल ड्रेन ऊपर है और केनाल का जो मैक्सिमम फुल सप्लाई लेवल है वो नेचुरल ड्रेन के बेड से कहा है नीचे ही है टच नहीं कर रहा है आप अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहां पर देख सकते हैं कि केनाल ऊपर है केनाल का जो है, जो है जो है हमारा सॉरी जो नेचुरल ड्रेन है ऊपर है केनाल नीचे है लेकिन केनाल का जो पानी है वो नेचुरल ड्रेन को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है लेकिन जब ये टच करने लगेगा केनाल का पानी तो उस सिचुएशन में जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे साइफन सुपर पैसेज सुपर पैसेज में क्या होता है कि ड्रेनेज इज ओवर द इरिगेशन केनाल बट 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 कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल होगा इस बार ड्रेन के बेड लेवल को क्या करने लगेगा टच करने लगेगा और आप यहां पर देख सकते हैं एग्जाम्पल की ड्रेनेज ऊपर है कैनाल नीचे है लेकिन कैनाल का जो पानी है वो ड्रेनेज के बेड लेवल को क्या करने लगेगा टच करने लगेगा, तो इसलिए ये जो सिचुएशन है, है? है स्ट्रीम ऊपर है लेकिन कैनाल का जो पानी है वो ड्रेन के बेड के ऊपर चला गया तो ये कहलाएगा साइफन सुपर पैसेज अब टाइप थ्री जब दोनों कहा हो एक ही लेवल पर हो टाइप थ्री यानी कि जब दोनों कहा

करेक्ट और अगर आप इसका एग्जांपल समझ रहे हैं तो ये रिवर आई और इधर से कनाल आई एंड दे आर मिक्सिंग विथ ईच अदर ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं मिक्स हो जा रहे हैं दिस इज द टाइप थ्री एक होता है इनलेट एंड आउटलेट इनलेट आउट आउटलेट में क्या होता है कि छोटी सी एक स्ट्रीम निकाल देते हैं व्हेन इरिगेशन कैनाल मीट्स अ स्मॉल स्ट्रीम और ड्रेन द ड्रेन इज अलाउड टू एंटर कैनाल एज इनलेट और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देते हैं एज अ आउटलेट यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि एक तरफ में आपका कहां है इनलेट है और दूसरी तरफ में हमने क्या कर दिया ये जो नदी आई नदी में यहां पे एंटर करा गए और एंटर करा के कहीं और से बाहर निकाल दिया तो ये जो पोर्शन चल रहा था दिस पोर्शन वाज रिवर दिस सॉरी कैनाल या स्ट्रीम स्ट्रीम को यहां पे एंट्री कराया और कहीं गौर से बाहर निकाल दिया इसको कह दिया हमने इनलेट एंड आउटलेट तो ये तीन कैटेगरी थी अगर हमें बिहाफ में आपको समझाऊं तो यहां पर तीन कैटेगरी थी फर्स्ट कैटेगरी में यू कैन सी हियर यहां पर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस स्लाइड ये पूरी की पूरी स्लाइड हम लोगों ने आपके लिए बनाई हुई है एंड इफ यू कैन सी हियर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड दिस वॉज द टॉपिक कैनाल ड्रेन के ऊपर है एक्वाडक्ट साइफन एक्वाडक्ट ड्रेनेज कैनाल के ऊपर है सुपर साइफन सुपर बोथ आर एट सेम लेवल लेवल क्रॉसिंग एंड इनलेट एन आउटलेट लेवल क्रॉसिंग में दे आर मिक्सिंग विद ईच अदर इनलेट आउटलेट में एक तरफ इनलेट होके कहीं और से आउटलेट करा देंगे करेक्ट सो दिस इज द बेसिक आइडिया टू अंडरस्टैंड हियर द कंप्लीट अब कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें देयर आर सम एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर दिस कंप्लीट क्रॉस ड्रेनेज वर्क

नाल का बेड लेवल इस नदी के हाई फ्लड लेवल से भी ऊंचा है आप देख पा रहे हैं ड्रेनेज के नीचे से पास कराएंगे तो वो क्या होगी तो आपको पता है कि अगर केनाल को ड्रेनेज के नीचे से पास कराएंगे सो दैट विल बी कॉल्ड एज सुपर पैसे क्योंकि एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट दोनों में केनाल ऊपर होती है लेवल क्रॉसिंग में एक लेवल होता है सुपर पैसेज में ही कैनाल कहां होती है बिलोद होती है तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं करेक्ट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्रेजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आज जो है टॉपिक नंबर वन था ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको हम यहाँ पे लेकर आते रहेंगे चैनल पर आपके जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी प्लीज अपनी इसी तरीके से तैयारी करते रहिए चैनल पर बने रहिए बाकी सारे जो लेक्चर कोर्सेज और पूरे जो नोटिफिकेशन के लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें थैंक यू एंड गुड लक